गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। टुडे इज द 17th डे ऑफ आवर क्लास एंड टुडे वी विल बी टेकिंग इंग्लिश। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखिए इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस करेंगे, ठीक है, जो कि आप अपनी रोज की बोलचाल की भाषा में यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, मैं आपको इनका मीनिंग बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके और आप कब इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, बिलीव मी। क्या कहा? बिलीव मी। बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। मी मतलब मुझ पे या मैं। तो क्या कहा गया है, बिलीव मी मतलब मुझ पे विश्वास करो। ठीक है, सेकंड, कॉल मी बैक। कॉल मतलब बुलाना। ठीक है, कॉल मी बैक मतलब मुझे वापस बुला लेना। बैक मतलब वापस होता है पीछे, तो कॉल मी बैक मतलब मुझे वापस बुला लेना। एज सून एज पॉसिबल। एज सून मतलब, सून का मतलब होता है जल्दी, ठीक है, और पॉसिबल का मतलब क्या होता है? संभव होना। ठीक है, तो एज सून एज पॉसिबल का मीनिंग क्या हुआ? जितनी जल्दी संभव हो सके। ठीक है, जैसे आपको किसी को कहना है कि तुम जितनी जल्दी हो सके घर आ जाना, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? कम एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गिव मी अ हैंड। गिव मी अ हैंड मतलब अपना हाथ मुझे दो। हम किसी को हाथ पकड़ने के लिए या किसी की हेल्प के लिए इस वर्ड को, इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, गिव मी अ हैंड, मुझे अपना हाथ दो। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? समझना। तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड का मीनिंग क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, मुझे समझ नहीं आया। जैसे कि आपसे कोई पूछता है कि क्या आपको समझ में आ गया, तो आप क्या जवाब देते हैं? हाँ, मुझे समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आया। तो उसकी प्लेस पे आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया। अगला देखते हैं, आई डू नॉट मीन इट। मीन का मतलब क्या होता है? मतलब। ठीक है, आई डू नॉट मीन इट मतलब मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अगला देखें, हाउ मच इज इट। क्या कहा गया है? हाउ मच, हाउ मच मतलब कितना, इज इट ये कितना है। ठीक है, जैसे आपसे कुछ पूछता है कि ये चीज कितनी है, ठीक है, तो आपसे इंग्लिश में कैसे पूछ सकता है? हाउ मच इज इट, ये कितनी है या ये कितना है। ठीक है, आगे चले, हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड, ओल्ड का मतलब सबको पता है, ओल्ड का मतलब ऐसे क्या होता है? पुराना। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है इसका? तुम कितने बड़े हो। पुराना तो नहीं कह सकते तुम कितने पुराने हो, तो इसका शाब्दिक शब्द मीनिंग वर्ड का मीनिंग है कि तुम कितने पुराने हो, लेकिन इसका असली मीनिंग क्या है कि तुम कितने हो। ठीक है, हाउ वॉज योर वीकेंड। अब वीकेंड क्या होता है? वीकेंड होता है हफ्ते के लास्ट दिन, मतलब सैटरडे संडे दोनों को मिला के वीकेंड कहा जाता है। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को वीकडेज कहा जाता है और सैटरडे संडे को वीकेंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं? हाउ वॉज योर वीकेंड, आपका वीकेंड कैसा था, मतलब आपका सैटरडे संडे कैसा गया, आपने क्या किया। ठीक है, नेक्स्ट देखें,
व्हाट डिड यू से, क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट डिड यू से, से का मतलब क्या होता है, कहना बोलना, तो क्या कह रहे हैं, तुमने क्या कहा, ठीक है, थोड़े गुस्से में क्या कह रहे हैं वो, तुमने क्या कहा। नेक्स्ट देखें, व्हाट डू यू नीड, नीड का क्या मतलब होता है, जरूरत, तो तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना, यू का मतलब तुम, ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, व्हाट का मतलब क्या, तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट मतलब क्या, यू मतलब क्या होता है तुम, वांट मतलब चाहना, ठीक है, टू डू मतलब करना, तो क्या कहना चाहता है ये, तुम क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू, ठीक है, तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है, आगे चलें। व्हाट डू यू वांट, वांट का मीनिंग अभी हमने देखा, चाहिए, जरूरत, व्हाट डू यू वांट मतलब तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ठीक है, तुम क्या चाहते हो। व्हाट्स द वेदर लाइक, व्हाट्स द वेदर लाइक, वेदर क्या होता है, मौसम, लाइक मतलब जैसा, ठीक है, तो मौसम किसके जैसा है, ठीक है, व्हाट्स द वेदर लाइक, मौसम किसके जैसा है। नेक्स्ट देखें, वेयर आर यू गोइंग, वेयर का मीनिंग क्या होता है, कहाँ, यू मतलब तुम, गोइंग मतलब जा रहे हो, तो क्या मतलब निकला सेंटेंस का, तुम कहाँ जा रहे हो। अगर आपको किसी से पूछना हो कि वो कहाँ जा रहा है, तो इंग्लिश में आप उसे कैसे पूछ सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इज ऑल गुड, ऑल का मतलब क्या होता है, सारा कुछ, गुड मतलब अच्छा, तो क्या मतलब लगाया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, इज ऑल गुड, क्या सब ठीक है, क्या सब अच्छा है, ठीक है, इज एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग मतलब इसका मतलब ही सब कुछ होता है, ओके मतलब ठीक, और पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो मतलब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, मान लीजिए आपके साथ आपका फ्रेंड बैठा है, ठीक है, तो आप उसे इंग्लिश में क्या पूछ सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, आपका छोटा भाई है, आपकी छोटी बहन है, या बड़ा भाई बड़ी बहन, या आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक बार बोलिए इंग्लिश में व्हाट आर यू डूइंग, अगर उनको मतलब समझ में नहीं आता तो एक बार दोबारा बोलिए इंग्लिश में व्हाट आर यू डूइंग, अगर उनको तब भी समझ में नहीं आता तो आप उनको समझाइए कि व्हाट आर यू डूइंग का मतलब क्या है, ठीक है, अब वो एक बार इस सेंटेंस का मतलब समझ जाएंगे तो अगली बार आप जब भी, ठीक है, उनसे ये क्वेश्चन पूछेंगे इंग्लिश में तो आपको 100% आपको जवाब देंगे, ठीक है, इसी तरह आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो मीनिंग मैंने आपको बताया आप अपने छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन पेरेंट्स, ठीक है, इनके साथ शेयर कर सकते हैं सब, ठीक है, ताकि उनको भी समझ में आए और आपकी भी इंग्लिश की वोकैबुलरी इंप्रूव हो और आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक हो जाए, ठीक है, आगे चलें। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही, ठीक है, नॉट का मतलब नहीं, ठीक है, तो एब्सोल्युटली नॉट का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल नहीं, ठीक है, आगे चले। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, आइडिया मतलब, आइडिया मतलब कोई भी विचार होना, ठीक है, कोई भी चीज का समझ होना, आई हैव नो आइडिया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपसे पूछा जाए कि
आपका फोन कहाँ पर है, अगर आपके पेरेंट्स आपसे पूछे कि मेरा फोन कहाँ पर है, ठीक है, और आपको नहीं पता हो, तो आप क्या कह सकते हैं उनको? आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, ठीक है। साया समझ में यूज कर सकते हैं, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आई एग्री, एग्री का मतलब क्या होता है? एग्री का मतलब होता है कि सामने वाले के साथ, सामने वाले अपनी बातों को सेम रखना, ठीक है, मतलब उनकी बातों को मानना। जैसे कि आपके सामने किसी दोस्त ने कहा कि आज मौसम कितना अच्छा है, ठीक है, क्या कहा उसने कि आज मौसम कितना अच्छा है, तो आप उसका जवाब किस कैसे देंगे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, ठीक है। इसके दो जवाब हो सकते हैं इंग्लिश में, एब्सोल्युटली बिल्कुल हाँ, और दूसरा क्या कह सकते हैं? आई एग्री, मैं तुमसे सहमत हूँ, ठीक है। एग्री का मतलब क्या होता है? सहमत होना, सामने वाले की बात में बात मानना उसकी, ठीक है। आगे चले, आई एम एट होम, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, इस सेंटेंस को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस सेंटेंस को भी आप यूज कर सकते हैं कैसे? मान लीजिए कि आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ पर हैं, ठीक है, आपको कोई फोन आता है, कॉल आती है, तो वो पूछते हैं कि आप कहाँ पर हैं, तो आप उनको क्या आंसर दे सकते हैं? आई एम एट होम कह सकते हैं उनको, आसानी से कह सकते हैं, और वो समझ भी जाएंगे, ठीक है। अगर ना समझे तो आप उनको वो हिंदी में बता देना, ठीक है, ताकि उनको भी समझ में आ जाए। इट्स ऑन द टिप ऑफ योर टंग, टिप क्या होता है? सबसे ऊपर का हिस्सा, ठीक है। टंग क्या होती है? जीभ, ठीक है। इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, वो मेरी जीभ के ऊपर है, ठीक है। अगर आपको किसी कुछ बताना हो कि आपकी जीभ पर क्या है, अगर हम वर्ड्स का मीनिंग समझें अभी, डीप मीनिंग ना जाते हुए इसका, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं? इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, ठीक है। तो आज हमने ये कुछ सेंटेंसेस देखे, बाकी जो सेंटेंस बचे हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आपको आज क्या करना है कि आपको इन सेंटेंसेस को बार बार रीड करना है, ठीक है, बार बार वीडियो को देखिए, एक एक मीनिंग को समझिए, उसको यूज़ करिए, ठीक है। इंग्लिश जितना आप यूज़ करें उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगी, उतनी आप आसानी से बोल पाएंगे, ठीक है। अगर आप उन वर्ड्स को यूज़ ही नहीं करेंगे तो ना ही आपको उनका मतलब याद होगा, ठीक है, और ना कभी आप बोल पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसको पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ें, उसको समझें, ठीक है। तो आप इन कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से इंग्लिश में कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, ये डेली यूज़ के सेंटेंसेस हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप सबको प्रैक्टिस करना चाहिए, आप अपने पेरेंट्स के साथ भी, अपने बड़े भाई छोटे भाई बहन सबके साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको, ठीक है। आई होप कि आप इन सबको बार बार रीड करेंगे, ठीक है, उनका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे और इन्हें बार बार रीड करेंगे, ठीक है। मैं फाइल आपको ग्रुप में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं उसे, ठीक है। थैंक यू।